क्या है? आपका टेलीग्राम। ठीक है, पेन है क्या? थैंक यू। आज कई सालों के बाद मेरी प्यारी भतीजी आ रही है, इस सुनी हवेली में बाहर आ जाएगी। वर्षों का प्यार झलक आएगा इसके मिलने पर। ओ माय चाइल्ड, तुम नहीं जानती हाउ मच आई मिस्ड यू, आई लव यू। राम भरोसे, राम भरोसे, कहां मर गया रे तू काला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बंगला है यार, वाह। और बंगले वाली उफ, कहकर क्या फायदा, अभी देखना तुम्हारे अंकल मुझे देखेंगे ना, धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। मैं तुम मेरे दिल में बसे हो रवि, इसीलिए अंकल अपने बंगले से तो क्या, अपने दिल से भी नहीं निकालेंगे। इतना भरोसा है अपने अंकल पर? फिर देखो, मैं अभी उनको फोन करती हूँ और अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे अंकल पर इतना भरोसा क्यों है। देख लेते हैं सांच को आज कैसी। चलो चलो। हेलो, हाँ मैं राणा बोल रहा हूँ सर जी। वो लोग आ गए? हाँ सर, वो तो कब के आ गए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तब तक संभाल लेना। जी जी सर। उठाइए। हेलो अंकल, कैसे हैं? अंकल आपको तो पता है ना कि आपसे मिलवाने के लिए मैं रवि को साथ लाई हूँ, तो अंकल अब हम चाहे तो अभी भी शादी कर सकते हैं ना। लेकिन 6 महीने के बाद तो हो जाऊंगी ना। सुन लिया रवि? हाँ हाँ, रवि तैयार है अंकल। ये सोचना आपका काम है अंकल। अंकल आप कब आ रहे हैं? ओके अंकल, बाय। कुछ समझे? समझा, लेकिन पिंकी ये बताओ। हाँ? वो बाहर कौन आने वाला है? वो बाहर वैसे वो मेरे दूर के मामा लगते हैं। अबे वो धर्मो के बच्चे, इधर आओ। शाह एक मिनट जरा ध्यान से सुनो जी, जरा कमर कस के रहना।
और इन जुल्फों को भी संवार के रखना जी। पिंकी और उसके दोस्तों को हाँ। किसी भी तरह की कोई भी समस्या मत होने देना। समझ गए साहब? जाओ उसको भी समझा दूंगा। हाँ। एक मिनट हाँ। इधर आओ जी। मंदा को भी समझा देना और यहाँ पर तमाम जितने भी नौकर हैं उन सबको समझा देना। समझा समझ गए? जाओ मुंह बंद करो जाओ। अरे लगता है चौधरी साहब आ गए। चौधरी साहब वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी चले। नमस्ते साहब, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे मैं तो जल्दी आ जाता राणा जी, लेकिन मेरी गड्डी जो है बीच रास्ते में खड़ी हो गई। कहने लगी जब तक पानी नहीं डालोगे यहाँ से हिलूंगी नहीं। बड़ी मुश्किल से मिस्त्री मिला तब जाके स्टार्ट हुई। और मेरी छोरी आ गई ना? हाँ वो तो गपकी आ गई। बिल्कुल ठीक है। नमस्ते अंकल। जीती रह बेटी जीती रह, तुझे देख के मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई। अरे राणा जी, आपने हमारी छोरी को गौतम के बारे में कुछ बताया कि नहीं? बता देंगे राणा साहब, लेकिन आप पहले आराम से बैठिए, चाय पानी पीजिए, उसके बाद सब कुछ बता देंगे। पिंकी तुम अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करो। माय यंग फ्रेंड लिसन टू मी, आई एम जस्ट कमिंग। ओके माय ओल्ड फ्रेंड। चौधरी साहब मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे नहीं लगता कि पिंकी और गौतम की शादी अब हो सकेगी। क्या मतलब? आप भाई साहब से बात कर लीजिए। समझ गया बलवंत भाई, हमारी छोरी एक छोरे से प्यार कर रही है। प्यार मोहब्बत के तो हम भी कायल हैं, और प्यार मोहब्बत के बीच में हमें दीवार नहीं बननी चाहिए। यहां कोई फिल्म तो बन नहीं रही है कि हम विलेन बन के सामने खड़े हो जावे। लेकिन एक पते की बात कहूं बलवंत भाई, देखो बलवंत भाई, अपनी छोरी 6 महीने के बाद बालिग हो जाएगी ना, फिर वो इस बंगले की नहीं पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी ना। और तुम तो अभी ट्रस्टी की हैसियत से ही सब संभाल रहे हो है? अगर वो चाहेगी तो तुम इस बंगले में भी नहीं रह पाओगे और ना ही कुछ और संभाल पाओगे है? भाई मैं उस छोरे के लिए तुम्हें होशियार कर रहा हूं। हमारी बच्ची ठहरी कमसिन ना समझ, अगर वो छोरा प्रॉपर्टी के लिए हमारी छोरी से शादी कर रहा हो तो हमारी बच्ची की जान सांसद में पड़ सकती है और तुम भी किसी ठोर के नहीं रहोगे। इसीलिए सोच समझ के हमारी छोरी की शादी उससे करना। मतलब तो साफ है मिस्टर रॉकी, फर्ज करो अगर इसी वक्त तुम्हारी शादी लीली से कर दी जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? वही जो शादी से पहले करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश जारी रखना मिस्टर रॉकी, हिम्मत मत हारना, कौन जाने लीली तुम्हें खुद इनवाइट करे। इम्पॉसिबल। चैलेंज दे रही हो? तुमने जो भी उस लड़के के बारे में मुझे बताया मैं तो डर ही गया। उसमें डरने की क्या बात है, अंकल तो हमारी शादी के लिए तैयार है ना। तुम्हें अपने अंकल पे बहुत भरोसा है। पिंकी तुम अभी नादान हो, कमसिन हो, नाबालिग हो। तुम्हें मालूम है आज तुम्हारे अंकल हम दोनों की शादी करना चाहेंगे, लेकिन कल को मना कर दिया तो चौधरी के लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर दी तो तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम्हारे अंकल की चलती है, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं चलती। चलो मान लिया, लेकिन 6 महीने बाद तो मैं बालिग हो जाऊंगी, तब तो मैं अपने मन की कर सकती हूँ ना। हाँ वो तो हो सकता है। तो तब मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हाय 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 वाह, और रात कितनी हसीन होगी। हाँ, सपने दिखाकर झांसे में लेने की कोशिश मत करो। काल की
धरती पे अब तुम तारा लगाओ जी, 16 साल की लड़की पे अब तुम तारा लगाओ जी, गोरे हाथों में इनके तुम हथकड़ी पहनाओ जी, आंखें इनकी ऐसी जैसे AK-47, कपड़े ऐसे पहने जैसे पहने माइकल जैक्सन, रस्ते पे चलती है ऐसे मचक कर कातिल इनकी सदाएं, रस्ते पे चलती है ऐसे मचक कर कातिल इनकी अदाएं, इनके मॉडर्न कपड़ों के बदले साड़ी पहनाओ जी, ऐसी कातिल अदाओ पर तुम ताड़ा लगाओ जी, 16 साल की लड़की पे अब तुम ताड़ा लगाओ जी। गजब की ये लगती है मुझको दीवानी, आशिक बना के पल में ऐसी जालिम इनकी जवानी, होठों पे लाली गजब की ये लगती है मुझको दीवानी, बाली उम्र पे पतली कमर पे ये ऐसे इतराए, बाली उम्र पे पतली कमर पे ये ऐसे इतराए, इतने घायल कर डाले उनको ढूंढ के लाओ जी, इनकी बाली उम्र पे अब तुम तारा लगाओ जी, 16 साल की लड़की पे अब तुम ताड़ा लगाओ रे। मॉडर्न
रंग कपड़ों के बदले साड़ी पहनाओगी, ऐसी कातिल अदाओ पर तुम ताड़ा लगाओगी, 16 साल की लड़की पे अब तुम ताड़ा लगाओगी, गोरे हाथों में इनके तुम हथकड़ी पहनाओगी। गॉड, करण कभी तो किताबों को अपने आप से अलग करो, सब लोग हॉल में बैठे हैं और तुम कमरे में घुसे बैठे हो। प्लीज कामनी, डिस्टर्ब मत करो, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है। पढ़ना है तो मुझे पढ़ो ना डार्लिंग। तुम्हें? हाँ, मेरी आँखों में तुम्हारा नाम लिखा है, मेरे होठों पे देखो ना क्या लिखा है, मेरे दिल पे भी तुम्हारा और तुम्हारा नाम लिखा है, और कहाँ कहाँ लिखा है। नहीं नहीं, और मत बताओ, बस 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 बहुत हो गया, थोड़ा सा किताब पढ़ लेने दो यार। अच्छा, लीव इट प्लीज, चलो कम ऑन। ओफो, चलो बाद में पढ़ लेना यार, सच में पढ़ने भी नहीं देती हूँ मुझे। दूर हटो। क्यों, डर लगता है तुम्हें? दूर हटो, तुम मेरे पास आ जाओ, सारा डर निकल जाएगा। हाँ। अरे नहीं, प्रिया के धोखे में लिली मारी गई, हो जाएगा, वादा किया है, वो जिंदा नहीं बचेगी, रख दो फोन। रॉकी, तुम लिली के साथ कमरे में थे ना? हाँ, मगर मैं बाथरूम में था, बाहर आया तो लिली को तड़पते हुए देखा, मगर वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी उससे पहले ही। लेकिन हत्या की वजह क्या थी? लिली तो कल ही आई है यहाँ पर। और लिली की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, वो कोई साइकिक कैरेक्टर ही होगा, नहीं तो लिली का मर्डर क्यों करता? कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इनकी हत्या का राज का पर्दा उठा सके, या तो फिर कोई सबूत मिल पाता। सिर्फ झगड़ा जरूर हुआ था। किससे? मुझसे। ये शायद उस झगड़े का फायदा उठाकर मुझे कातिल साबित करना चाहता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हो जाया करता था। यू शट अप। अरे, हम आपस में शक करते रहेंगे तो पुलिस तो हमें ही मुजरिम मान बैठेगी। इंस्पेक्टर साहब, लिली को किसी बाहर के ही आदमी ने मारा है और मैं उसे जानती हूँ। जानती हूँ? जानती हूँ मतलब कि कल रात मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि कोई साया मेरे कमरे में है। इसका मतलब वो आदमी जो ना जाने कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, फिर आसपास मंडराने लगा है। कौन है वो? वही तो पता नहीं है इंस्पेक्टर, लेकिन बिना वजह हत्या तो वही करता है, और आज तक कई हत्याओं के पुलिस को कोई सुराग नहीं मिले। घर में और कौन कौन है? हम लोगों के अलावा राम भरोसे और दिलरुबा। कहाँ है वो दोनों? पता नहीं, सुबह से नजर नहीं आए। आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। कांस्टेबल, लाश को ले जाने का इंतजाम करो।
ये राम भरोसे आखिर गया कहाँ होगा? क्या सोच रहे हो नंदलाल? सोच रहा हूँ कि सारी जिंदगी मेरी किस्मत, किस्मत में जिंदगी भर नौकरी करना लिखा है। प्यार भी लिखा है क्यों? मजाक मत करो। क्या मैं कभी दौलतमंद आदमी नहीं बन सकता? क्या ये बंगला मेरा नहीं हो सकता? सोचो, सोच लो। हंसी मत उड़ाओ। आज इस बंगले के मालिक सेठ जी है और 6 महीने के बाद इस बंगले की मालकिन तुम हो जाओगी। अगर मालकिन मर गई तो इस बंगले का मालिक कौन होगा? बता, मैं पूछ रहा हूँ, वो बता। मेरे पूछने से कहीं साहब मर गए तो सीधी सी बात है, फिर साहब बंगले के मालिक। अगर कहीं साहब मर गए तो उनके नजदीक के रिश्तेदार। अगर कहीं रिश्तेदार मर गए तो? सारे रिश्तेदार मर जाएंगे तो भी बंगले के मालिक तुम कभी नहीं बन सकते। बकवास बंद करो। मेरी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। मुझे इस बंगले का मालिक बनना है और मैं मालिक बन के ही रहूंगा, ये मैं बताता हूँ। हेलो, कैसे हो दोस्तों? अरे, और बाकी के लोग कहाँ गए? अच्छा, खैर, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन इस तरह मातम मनाने से क्या फायदा? आप लोग पहले की तरह हंसिए, मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए। क्यों? चलिए, ऐसा करता हूं कि मैं आज शाम को मैं ही कुछ इंतजाम करता हूं। अबे ओ धर्मू, इधर आ।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर महेश, आई एम सतीश, हाउ आर यू? फाइन सर। मजबूरी है, तुम्हें पता है तुम्हें किस लिए बुलाया गया है, अभी तो तुम्हारी छुट्टी भी नहीं खत्म हुई है ना। सो व्हाट सर, क्या होता है इसमें? पुलिस की ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, चाहे कभी भी किसी भी वक्त बुलाया जाए हमेशा हाजिर रहना पड़ता है, और फिर पुलिस की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब कत्ल का केस हो, और वो भी किसी धनवान व्यक्ति की हुई। ओह, तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? यस सर। सर, जहां भी मैं जाता हूं सबसे पहले वहां की हवाएं मुझे वहां घटनाओं का पता दे देती है। ओह गुड, आई लाइक इट। इसीलिए हमारे महकमे का एक अच्छा इंस्पेक्टर आपको माना गया है। वैसे सर, वो चंगो मंगो, मेरा मतलब जेम्स बॉन्ड, वहां क्या कर रहे हैं? और रही चंगू मंगू की बात, उनको मैंने इसलिए भेजा वहां ताकि कातिल उलझा रहे। लेकिन सर, सेठ सुमेर चंद का बंगला जिस एरिया में है वो एरिया इंस्पेक्टर अफसर खान का है, मेरा नहीं। वो मुझे मालूम है। ये हत्याएं जिस घटनास्थल पर हो रही है उस जगह पर काफी जमघट है, शक एक से ज्यादा कई लोगों पर है। इस केस में काम करने वाले एक ऐसे इंस्पेक्टर की जरूरत है जो जोश में नहीं होश में काम करें। और आपके ख्याल में इस तरह के कई केसेस मैं सॉल्व कर चुका हूँ। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें इस केस में काम और छानबीन करने के लिए स्पेशल परमिशन देता हूँ। टेक योर चार्ज। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक एंड रिपोर्ट मी हियर। ओके सर। इधर आओ। आओ भाई रणे। ओ शाम, नमस्ते। क्या हुआ? खाने का क्या होगा, नौकरानी मार्केट गई है और मार्केट से वो कहीं और चली गई, पता नहीं, उसे 4-5 घंटा लाने में लेट होगा। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। ओके भाई, तुम जाओ। भाई इस वक्त तो मेरे हिसाब से एंजॉय करने के लिए अंताक्षरी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्यों चौधरी साहब? भाई अंताक्षरी खेलो या कुछ भी, जो बच्चों को पसंद आए वो खेल खेलो, और वैसे भी मुझे पूछ के क्या फायदा, मुझे तो खेलना नहीं है। नहीं अंकल नहीं, खेल तो आपको खेलना ही होगा, और रही बात अंताक्षरी की, तो ये खेलते खेलते हम सब पक चुके हैं। क्यों? हाँ। हाँ। क्यों ना लुका छुपी खेले? हाँ? हाँ। हाँ तो बोलो। अरे यार। हाँ। क्या हुआ? अरे ये तो बच्चों के खेलने की चीज है माय डियर यंग फ्रेंड। अरे खेल तो खेल है, और इसी बहाने हम लोग भी बच्चे बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ओह यस। ओह हाय एवरीबॉडी। हाय पिंकी। हाय, कल तुमने आते साथ मुझे फोन क्यों नहीं किया? ओह मैं तो भूल ही गई थी। बैठिए ना। थैंक यू। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ? वो लुक्का छुपी खेलने का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। वाओ, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। चलो भाई चलो, फिर सब लोग उठो। अभी मैं छुपा नहीं, छुपा नहीं, छुपा नहीं, अभी मैं छुपा नहीं, बताना बताना अभी। Thank you.
इधर छुपी। मैं आओ। छुप गए तुम लोग, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। कहाँ गए? बहुत ही बदमाश हो। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। शैतान देंगे। कैसे हो गया ये सब? ओह माय गॉड, अरे ये तो गजब हो गया। पुलिस को बोला, पुलिस को। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग घर जाइए। हवलदार जी सर, लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काम हो गया जेम्स बॉन्ड। काम हो गया। क्या काम? तमाम हो गया। काम तमाम हो गया। 007 फिनिश। बहुत कुछ करना है जेम्स बॉन्ड, तुम तैयार रहना। मैं तैयार था, तैयार हूं, तैयार रहूंगा। 007 जेम्स बॉन्ड, बस अब तुम देखते जाओ क्या से क्या करते हैं। जेम्स बॉन्ड, बस अब सिर्फ अपना साम्राज्य रहेगा, सिर्फ अपना साम्राज्य। पिंके के बयान से जाहिर होता है कि जहां पर कत्ल हुआ वहां पर मिस पिंकी पहले से छुपी हुई थी और कातिल ने आकर उन पर वार किया। वहां पर कुछ घना अंधेरा था, हो सकता है कातिल ने
मकतूला को पिंकी समझकर कत्ल कर दिया हो। सर आप कुछ भी अंदाजा लगाइए, मतलब तो कातिल के पकड़े जाने से है ना। लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पिंकी का कत्ल कोई आकर क्यों करेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, जलन, लालच या आपसी दुश्मनी। बहरहाल पिंकी का होशियार रहना बहुत जरूरी है जी। वैसे मैं यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। ठीक, लेकिन जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता आप लोगों में से कोई बाहर नहीं जाएगा, और जिसे इमरजेंसी में जाना है तो पुलिस स्टेशन से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ओके, गुड नाइट। धन्यवाद सर। पिंकी, हेलो हेलो माय यंग फ्रेंड। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, खासकर तुम्हारे दिल पे। तुम यहां सबको घुमाने के ख्याल से लेकर आई थी, लेकिन एक एक करके तुम्हारी दो सहेलियों का कत्ल हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जिसने भी ये कत्ल किए हैं उसका उन दोनों ने क्या बिगाड़ा था। इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है रवि। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो कातिल को पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मुझे शक है कि कातिल कहीं किसी और का भी कत्ल कर सकता है। क्या कहा आपने? क्या मतलब है? मेरी मानो तो तुम लोग चले जाओ यहां से। पुलिस से परमिशन लेने का चक्कर जो है वो सब हो जाएगा, चिंता मत करो। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या अब भी कातिल किसी और की जान ले सकता है? कोई गारंटी भी तो नहीं कि किसी की जान नहीं जा सकती। जान है तो जहान है। तो आप भी क्यों नहीं चलते? मैं तो वो इस बंगले को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ यहाँ से, और तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग चले जाओ। राणा जी वो तो ठीक है, लेकिन आज नहीं। ठीक है, यानी कि तुम ये समझाना चाहते हो कि अंकल से मेरी जान को खतरा है। इस बात का अंदाजा तो कोई बेवकूफ भी लगा सकता है। तुम्हारे खून होने के बाद अगर किसी को फायदा है तो सिर्फ तुम्हारे अंकल को, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस सब उनका हो जाएगा, हा? और उन पर किसी को शक भी नहीं होगा कि उन्होंने तुम्हारा खून करवाया है, इसीलिए वो गांधीनगर में रहकर तुम्हारा खून करवाना चाहते। तुम होश में तो हो रवि? देखो तुम ये समझ रहे हो कि अंकल को मुझसे ज्यादा मेरी दौलत से प्यार है, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम। अब देखो दोबारा ऐसी बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। तुम जानते नहीं अंकल को दौलत से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पिंकी? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझाना है तो समझा अपने आप को। जैसा तुम मेरे अंकल के बारे में सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। पिंकी ठीक है, लेकिन तुम जिस गलत फहमी में चल रही हो ना, इस गलत फहमी के चलते अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, रवि न जीते जी न मर के। सर इंस्पेक्टर क्या प्रोग्रेस है? सर काफी तहकीकात के बाद मैं समझता हूं इन मर्डर्स के पीछे सिर्फ दो वजह है। फर्स्ट तो ये है सर कि सेठ सुमेर चंद की भतीजी पिंकी को कोई मारना चाहता है। वजह? लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए वो दूसरी लड़कियों का कत्ल कर रहा है। वजह? सर वजह ये है कि सेठ सुमेर चंद की जो भी संपत्ति है चल अचल उसके मरने के बाद पिंकी की ही हो जाएगी।
प्लीज बैठिए, चाय लीजिए। थैंक यू सर। तो ये कत्ल कौन करवा सकता है? हो सकता है सुमेर चंद, क्योंकि पिंकी के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर है तो सेठ सुमेर चंद को ही है। आप किस आधार पर कह सकते हैं कोई पिंकी को ही मारना चाहता है? आधार तो बिल्कुल साफ है सर, बंगले में काफी लड़के मौजूद हैं, लेकिन कत्ल सिर्फ लड़कियों का हो रहा है। और दूसरी वजह क्या हो सकती है? सर दूसरी वजह यह हो सकती है कि बंगले में काफी स्टूडेंट मौजूद हैं, और जहां काफी स्टूडेंट मौजूद होते हैं वहां रंजिश भी हो जाती है, और रंजिश कत्ल में बदल जाती है, ये बात तो आप भी जानते हैं। जरा खोलकर बोलिए सर। जवान और गर्म खून और ऊपर से ये को एजुकेशन, फिर फिल्मों का असर इन जवान लड़कों पर इस कदर हावी है कि इनकी प्यार की रफ्तार आंधी की तरह आगे बढ़ती चली जाती है। आज इससे प्यार किया, कल उससे प्यार किया, इस तरह क्या होता है, रेगिंग होती है, मनमुटाव होते हैं और फिर कत्ल भी होते हैं। हो सकता है कॉलेज की आपसी झड़प हो, मौके का फायदा उठाकर कोई बदला ले रहा हो। यस सर, यू आर वेरी राइट सर। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। अब देखना है आगे क्या होता है। अरे पिंकी भी कमाल करती है यार, कितनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। पिंकी आई। मैं पिंकी नहीं, निशा हूँ। तुम यहाँ कैसे? रवि, तुम्हारे होठों पर निशा का नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, दिल में जलन होती है। कमाल करती हो तुम भी। दिल में जिसका प्यार होता है वो है पिंकी, और होठों पे किसी और का नाम लो, शायद ये तुम करती होगी, मैं नहीं करता। मेरे भी होठों पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुम्हें ही चाहने लगी हूँ। मेरे दिल में भी तुम्हारी तस्वीर है। कहो तो चाकू से चीर के दिखाओ। चाकू की बातें प्रेमी नहीं कातिल किया करते। अपना अपना तरीका है, प्यार के बदले प्यार और वार के बदले वार। ये तुम्हारी गलत फहमी है निशा। रवि और निशा का मिलन आज तक नहीं हुआ, और इसे भगवान भी नहीं मिला सकता। तुम क्या मिलाओगी, समझी? मैं भी देखती हूँ रवि, एक ना एक दिन मैं तुम्हारा प्यार पाके ही रहूंगी। देखती हूँ पिंकी तुमसे कैसे मिलती है।
ये सब कैसे हुआ बेटा? रेशमा को उस चाकू का पता चल गया था जिससे लिली का खून हुआ था। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ किसी ने फोन तक नहीं उठाया। और हम लोग तो खुद पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए थे ताकि उस चाकू को पुलिस के हवाले कर सकें, लेकिन वो रास्ते में गुमटी मिल गई और उसे हटाने में लग गए हम लोग। और इसी बीच वो चाकू कहाँ है? वो भी कहीं नहीं मिला। इसका मतलब रेशमा का खून उस चाकू की वजह से हुआ है। उस कातिल को पकड़े जाने का डर होगा, इसलिए उसने चाकू छीनते हुए रेशमा का खून कर दिया। जो भी है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। रहने दीजिए, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। एक तो आपके पुलिस स्टेशन में कोई फोन नहीं उठाता और दूसरा खबर देने का कोई भी जरिया दुरुस्त नहीं है। आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, फोन खराब था तो उसमें पुलिस क्या करेगी? हम लोग अंतर्यामी नहीं है मिस्टर रवि, मगर लिली के कातिल को तो पकड़ ले सके आप। सफाई देने के अलावा कर भी क्या सकते हैं आप? जैसे मुजरिम कहता है वो मुजरिम नहीं, वैसे आप भी कहते हैं आपका कोई कसूर नहीं। आप में और मुजरिम में फर्क ही क्या रहा? आपका बोलना भी जायज है, लेकिन हमारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। वाह, आप भी मजबूर हैं, जनता भी मजबूर है, ताकतवर तो है सिर्फ गुनहगार। क्यों, क्या जवाब दूंगी मैं मिस्टर खुराना को, उनके घर वालों को? मैं अपने दोस्तों को यहाँ पिकनिक के लिए लाई थी, उनकी हत्या के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कातिल चाहिए, कातिल, मजबूरी का एक्सप्लेनेशन नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये खून हमारे खानदान पर धब्बा है। अगर वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया ना, तो मैं आपकी नौकरी की हत्या कर दूंगा। कोई किसी की भी हत्या करे, मैं रेशमा को खो चुका हूँ। रेशमा! ये क्या हो रहा है जेम्स बॉन्ड? 007, हम लोग चूक रहे हैं, लेकिन इसमें बदनामी पुलिस की होगी। वो कातिल को ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे कातिल को। बोलो कैसे? चुटकी बजा जा। राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट, यही एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि कातिल लड़कियों का ही कत्ल क्यों करता है? क्या लड़कों का अकाल पड़ गया है? 007, ये तो कातिल की चुटकी बजा के ही पता चल सकता है। तो चलो कहीं चलकर चुटकी बजाते हैं। कम ऑन जेम्स बॉन्ड, कम ऑन, फॉलो मी। यस। रवि, तुम अभी तक सोए नहीं? तुम तो जानती हो पिंकी, इतने बड़े हादसे के बाद भला नींद किसे आ सकती है। और इंस्पेक्टर साहब भी कहते हैं अब किसी का भी कत्ल हो सकता है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ। यहीं सो जाऊं मैं प्लीज? यहाँ? पागल हो गए हो? तुमसे तो अकेले रहना ही ठीक है। और चौधरी अंकल जानेंगे तो क्या होगा, पता है तुमको? वैसे भी तुम अकेली सो रही हो, और बाय चांस खुदा ना खास्ता हमारा कोई दुश्मन हुआ तो? मैंने कहा ना तुम ऐसा मत सोचो, अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट, बाय। क्या हुआ? रवि, रवि, मैं बाथरूम में थी। हा? तब मैंने खिड़की से किसी का साया देखा। पिंकी, तुम्हारा वहम होगा। नहीं नहीं रवि, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तुम मत जाना, तुम मत जाना, हो सकता है मेरा वहम ही हो। चलो ठीक है, अब तुम कभी भी अपने रूम में मत सोना, ठीक है? मेरे साथ सो, जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाए। ठीक है। कुछ खबर लाए जेम्स बॉन्ड? 007, आज मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ।
डुबकी बजा के पुलिस को अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला और ना ही मिलने का चांस है। वेरी गुड जेम्स बॉन्ड, वेरी गुड। तुम्हारी इस खुशखबरी पर खुश हुए हम और हम तुम्हें एक नायाब तोहफा देंगे। ये लो जेम्स बॉन्ड, ये ब्रेड का एक पीस है, इसे पानी में डुबा डुबा के खाओ, इससे तुम्हारी सेहत में चार चार चांद लग जाएंगे, चार चार चांद। 007, इस नायाब तोहफे के लिए मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? मेरा मन तो इसे खाने के लिए मचल रहा है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। 007, Now we will be in heaven. आज हमें ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। अगर हमने कातिल को ढूंढ निकाला, तो वही लोग जो हमें उल्लू और गधा समझते हैं, ये उनके मुंह पर एक करारी चपत होगी और हमारी गिनती दुनिया के बड़े बड़े जासूसों में होगी। और तब हम जासूसी दुनिया के बादशाह कहलाएंगे, बेताज बादशाह। अखबारों में, पेपरों में, टीवी में हमारा फोटो आएगा। 007, वो शुभ दिन कब आएगा? वो शुभ दिन भी आएगा जेम्स बॉन्ड, बहुत जल्द आएगा, लेकिन वो शुभ दिन आने से पहले आपको एक्शन लेने होंगे जेम्स बॉन्ड। बॉस, ये तो मेरा नायाब तोहफा था। इस नायाब तोहफे के साथ वह दिन आने दीजिए, मैं आपको एक समोसा भी दिया करूंगा। जेम्स बॉन्ड, कम ऑन, फॉलो मी। हाँ बोलिए भाई, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, मामला क्या चल रहा है क्या मालूम। हाँ वो तो यही कह रहे हैं कि कातिल अपनी छोरी पिंकी की जान लेना चाहता है। कोई पिंकी की जान क्यों लेना चाहता है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं बाहर काम में फंसा हुआ हूँ, वापस भी नहीं आ पा रहा हूँ, पता नहीं इसमें किसको क्या फायदा है। भाई जिसे उसे मारने से फायदा पहुँचे वो इसे जिंदा ही क्यों छोड़ेगा। देखो उसके मरने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, लेकिन मैं परेशान सिर्फ इसलिए हूँ कि वो कौन हो सकता है जो उसके जान के पीछे पड़ा है। पर ये सोचो कि उसे मारने से फायदा किसे पहुँचेगा। तुम्हारी सुई अटक गई है क्या, बार बार एक ही बात कह रहे हो, फोन रखो। हाँ भाई अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ नमस्ते। कहीं जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। तो फिर ये हीरो क्यों बन रहे हो? कह देना मेरे दिल की बात। आहा, क्या मैं कोशिश करूं तो मैं फिल्मों में हीरो बन सकता हूं क्या? हे भगवान, इस मूर्ख को कैसे समझाएं? अरे जरा सोच समझ कर तो ही बोल रहा हूं। अगर मैं फिल्मों में हीरो बन गया तो तेरा क्या होगा? क्या होगा? लोग तुझे सुपरस्टार नंद लाल की बीबी कहा करेंगे। अच्छा, तुम सलमान खान और शाहरुख खान की बीबी की तरह ऐश करोगी, दौलत तुम्हारे कदमों में होगी और तुम रानी की तरह ऐश करोगी। सलमान खान ने तो शादी नहीं की। तो उसे क्या हुआ, तुम गोविंदा की बीबी की तरह बनकर राज करोगी। तुम क्या करोगे? मैं करिश्मा कपूर के साथ डांस करूंगा और रवीना टंडन के साथ नाचूंगा और माधुरी दीक्षित के साथ इश्क लड़ाऊंगा और ट्विंकल खन्ना के साथ ओए ओए आंख मारूंगा और जानती हो रानी मुखर्जी के साथ जाऊंगा खंडाला। शुक्र है आज तो तुम्हारे हाथ में किताब नहीं है। तुमने तो खामखा डिस्टर्ब करके रख दिया, जानती हो यहाँ का क्या माहौल बना हुआ है। क्या? मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर रजनीका का कत्ल हुआ जबकि कातिल पिंकी को मारने आया था। पिंकी बच गई यानी अब भी जान उसकी खतरे में है, वो जरूर उसे मारना चाहेगा। आखिर उसे मारकर क्या फायदा मिलेगा, तुम बता सकती हो? मुझे नहीं जानना, तुम्हें जानना है तो जानो, नहीं जानना तो मत जानो। हाय रॉकी। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। लिली से बहुत प्यार करते थे ना? मेरे बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? प्यार करने के बारे में। क्या, मैं समझा नहीं। देखो रॉकी, मैं आजाद ख्याल की लड़की हूँ, लेकिन आवारा नहीं हूँ। मेरा दिल तुम पर आ गया है, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम मुझे अपने प्यार के लायक समझते हो
तो मेरा हाथ थाम लो वरना गुड बाय कह दो। ज्यादा सोचो मत, मना कर दो या हाथ थाम लो। हम यहाँ घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। तुम नहीं समझते पिंकी, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमको नहीं बता सकता। ओफो, प्लीज कामिनी। तुमने क्या सोचा? देखूंगी। कातिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे सच कहूँ तो मुझे भी इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो फिर आओ मजे करें। आओ भी। क्या हुआ कामनी? करण से झगड़ा हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गई, वो प्यार करने के काबिल ही नहीं है। यहाँ आकर करण ने तुम्हें प्यार नहीं किया? एक बार भी नहीं? ओह गॉड, दिस इज टू मच। तो अब तो तुम करण को भूल ही जाओ। हाँ हाँ, भूल ही जाऊंगी मैं से। तो मैं रात में कमरे में आऊंगा, तुम दरवाजा लॉक मत करना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कामनी सुनो। कामनी कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें सुनना होगा कामनी। कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। ऐसा? हाँ कामनी, और आज से मैं किताबें पढ़ना भी छोड़ दूंगा। सच? सिर्फ तुम्हें पढ़ूंगा कामनी, सिर्फ तुम्हें। और आज सबके सो जाने के बाद तुम्हारे कमरे में सिर्फ तुम्हें पढ़ने आ रहा हूँ कामनी। हाँ नहीं नहीं मत आना प्लीज। देखो प्लीज प्लीज कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके अब क्या होगा? तुम चले जाओ विक्रम, करण कभी भी आ सकता है। आएगा तो देखा जाएगा। समझते क्यों नहीं हो विक्रम? आज कुछ मत कहो। विक्रम क्या हुआ? शायद करण आ गया है। हटो, तुम जाके छुप जाओ कहीं।
पिंकी, राणा जी ठीक कहते थे, अगर हमने उनकी बात मान ली होती ना तो आज कामनी और गौतम का इतना भयानक अंत नहीं होता। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैं कोई मिसेस राय को नहीं जानता और ना ही मुझे इस एग्रीमेंट की कोई जानकारी है। तो फिर ये एग्रीमेंट आपके कमरे में आया कैसे? मेरे कमरे में ऐसे बहुत से सामान और कागजात हैं जो यहाँ मेरे आने से पहले से ही मौजूद हैं और उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। यानी इसका मतलब हम ये समझे कि आप श्रीमती राव को नहीं जानते? तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो बेटी? अगर यकीन नहीं आता तो हम आपसे पूछने के लिए आते ही क्यों? हम तो आपके पास इस उम्मीद से आए थे कि आपसे कुछ जानकारी मिल जाएगी तो हमें श्रीमती राव से मिलने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें श्रीमती राय से जानकारी लेने के लिए मुंबई जाना ही पड़ेगा। जरूर जाओ, भला इसमें मुझे क्या अपराध हो सकता है भाई? ठीक है प्रिया, मुंबई चलने की तैयारी करो। ओके, चलो प्रिया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो उसे कत्ल करने की कोशिश की है मगर वो बच निकला। अच्छा हुआ जो तुमने श्रीमती राय का कत्ल करा दिया, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, काम खत्म हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। उसे तो मैं जान से मार दूंगा, जितना कहा है वो काम जरूर पूरा करूंगा, बेफिक्र रहिए, फोन रखिए। आई एम कंफ्यूज, समझ में नहीं आता ये श्रीमती राय थी कौन और उनका इस हवेली से क्या ताल्लुक था। जो भी रहा होगा, लेकिन एक बात साफ है, मिसेस राव का कत्ल किसी खास राज को हमसे छुपाने के मकसद से ही किया गया है। यस, ये बात है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस कातिल को पहले से ही पता था कि हम श्रीमती राय से मिलने जाने वाले हैं। हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन वो है कौन? रवि, मुझे तो उस आदमी पे शक है जिसने मुंबई जाते वक्त हमारा पीछा किया और अटैक किया था। निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है प्रिया। क्या बात है बेटी, मुंबई से आने के बाद तुमने बताया नहीं कि मिसेस राय से क्या जानकारी मिली? हमारे वहां पहुंचने से पहले ही उनका कत्ल कर दिया गया था। मर्डर? ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा तो उस कातिल का होने वाला है जब हम उस तक पहुंच जाएंगे। फिर भी मिसेस राय के पास जाना तो तुम्हारा बेकार ही रहा ना? नहीं, हमें वहां भी कुछ क्लू मिले हैं।
क्यों? वो क्या? वो सब जब तक हम खुद कंफर्म नहीं कर लेते तब तक हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? दीवारों के भी कान होते हैं अंकल, और जो सच होगा वो सबके सामने आ ही जाएगा। हाँ वो तो है। अच्छा अंकल हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, भगवान इनकी मदद करें। अरे तुम इतनी रात को अकेले में यहाँ क्या कर रही हो? कितना कलयुग आ गया है, पहले लड़के लड़कियों का इंतजार करते थे, आज हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात से? मौत से। यहाँ पर खून पे खून हो रहा है और तुम्हें खौफ तक नहीं चेहरे? जिंदगी है बेवफा, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेके जाएगी। हाँ वैसे भी मुझे डर किस बात का, जब तुम मेरे साथ होते हो तो यू नो मुझे डर नहीं लगता। अरे कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी। मजाक कर रही थी, तुम्हें पास बुलाने का यही एक बहाना था। बचाओ! ए लोक, तुमने अगर दोबारा मजाक किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यही ना, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। पकड़ो ना। इसको फोन करते हैं। चलो चलो। देखो नजर रखना। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब आप यहां, बात क्या है? ये बताओ पिंकी कहां है? अपने कमरे में है और अकेली है। गुड। लेकिन सर बात क्या है? उसे अकेली रहने दो, आज रात कातिल उसे मारने आने वाला है। हाँ? और हमने पुलिस का जाल चारों तरफ बिछा रखा है, कातिल किसी तरह भी बचकर जा नहीं पाएगा। बट यू आर श्योर? आपको पक्का यकीन है? बेटे वर्दी के सितारे यूं ही नहीं लगा करते, समझे? मैं भी आपके साथ हूं। और मैं भी। गुड। नाउ वेट एंड वॉच, कम ऑन। अरे अंकल, अंकल कितना अच्छा।
अच्छा गेटअप है, एकदम हिंदी फिल्म के विलन की तरह। अंकल क्या हुआ? गोली मत चलाना, रुक जाओ रवि, वरना इस लड़की की गर्दन काट के फेंक दूंगा मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है पिंकी को तुम छोड़ो। राणा तुम मेरी बात मान लो, राणा तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। तो ये खून तुम कर रहे थे राणा जी? लेकिन ये कत्ल इसने किया क्यों? किसी भी लड़की को किसी गैर मर्द की बाहों में देखता है, मुझे हमेशा अपनी बीवी की बेवफाई याद आती है, और ऐसी हालत में मैं किसी के साथ कुछ भी कर गुजरता हूँ। छोड़ दो, ना जाने मुझे कौन सा पागलपन। ये साइकिक है, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं साइकिक हूँ, और इस पागलपन में मैंने इधर ही नहीं ना जाने कहां कहां कितने कत्ल किए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी घरवाली भाग गई थी। एक वक्त था इंस्पेक्टर साहब, जब मैं भी एक शरीफ इंसान था। ओके डार्लिंग, मैं चलता हूँ। आज शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास बात है? बस यूं ही। ठीक है। जरा मेरी पीठ तो दबा देना। मुझसे सेवा करवाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? वो क्यों, पुराने प्रेमी हो, घर पे नौकर का रोल कर रहे हो, तो फिर शर्म किस बात की? ठीक है, जो हो तुम मैम साहब। सच में जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से मैं टूट सा गया हूं, लेकिन तुमने मुझे बुला लिया। आई लव यू। काश राणा भी मुझे तुम्हारी ही तरह प्यार करता। लेकिन उसे तो बस हर वक्त ऑफिस 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 ऑफिस, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं। आज तो वो मेरा बर्थडे भी भूल गया। वो भूल गया तो क्या हुआ, मुझे तो याद है। चलो दोनों मिलकर केक काटते हैं। Mm-hmm.
अच्छा हुआ जो तूने बेवफाई कर दी। वफादार तो कुत्ते होते हैं, जैसे कि मैं। नहीं राणा, नहीं। ये नहीं राणा, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। नहीं राणा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, आज तुम्हारा केक मैं काटूंगा, आज तेरा केक मैं काटूंगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. अब ये मैं किसके लिए रो? अब मैं किसके लिए रोऊं, किसके लिए हंसूं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। काफी देर बाद मुझे होश आया। ये मैंने क्या कर दिया? पुलिस आएगी, मुझे फांसी हो जाएगी, क्या करूं? लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ यही ठीक है, इनको ठिकाने लगा देता हूं। जगह दफना दिया। अगले 7 जन्मों तक दोनों अपने हवस की आग को बुझाते रहेंगे। देखो राणा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले, लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। राणा, मैंने कहा इस लड़की को छोड़ दो। यस, राणा ही कातिल है। हम आज इसे रंगे हाथों पकड़ने ही वाले थे। Thank you.
Now you are under arrest. Now you are under arrest. तमाम गवाहों और सबूतों के बिना पर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राणा कसूरवार है, लिहाजा ये अदालत ताजेदार हिंद की दफा 302 के तहत मुलजिम राणा को उम्र कैद बा मुशक्कत की सजा देती है।